तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हार्डवेयर की क्लास में लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये हार्डवेयर के बारे में वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारा अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ है। मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत सारा मैंने फ्री ट्रेनिंग दिया हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखना कितना आसान है। ये मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम को रिपेयर करने का तरीका क्या है, यह हार्डवेयर क्या तकनीक स्किल होती है जिसके माध्यम से हमारे मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं ये जो इसमें हार्डवेयर संबंधित प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है ये मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा। ये दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेशर है, और अगर आज से अगर वो वीडियो देखते हैं तो मैं इस बात के लिए 100% गारंटी के साथ लेना चाहता हूं कि मोबाइल फोन में हार्डवेयर की बहुत सारी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जिनको ठीक करना बड़ा आसानी से सीख जाएंगे। ये वो भी 100% तरीके से लिख दे रहा हूं मैं, 100% तरीके से, वरना अगर आपको मेरा रिकॉर्ड देखना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि सर ने हमको जो इतना 10 दिन 8 दिन 15 दिन जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं लगातार एक एक करके डेली वाइज में वीडियो डाल रहे हैं, तो हमको वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला कि नहीं मिला, क्या सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिली, या कैसे मोबाइल फोन को ठीक करते हैं या मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका क्या है, इसके बारे में जो सर ने हमको वीडियो दिया हुआ है तो हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज दोस्तों मैं आपको हार्डवेयर के बारे में आपको वीडियो देने वाला हूँ। हार्डवेयर का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर का जो मेन बोर्ड होता है पीसीबी बोर्ड। इस पीसीबी बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाएगा, इस पीसीबी बोर्ड को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इस मदरबोर्ड को कैसे रिपेयरिंग की जाएगी, इसके बोर्ड के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ कैसे ठीक होगा। अब सबसे पहली बात आती है कि हार्डवेयर के हम लोग सीखेंगे कैसे, हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं अगर उसमें हार्डवेयर की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक होगी, कैसे हम लोग रिपेयरिंग सीखेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हार्डवेयर सीखने के लिए क्या तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी हम अपने वीडियो के आगे कॉन्सेप्ट पर। हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करने के लिए सजी दो तरीके होते हैं। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में यदि हार्डवेयर में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो हार्डवेयर की रिपेयरिंग करने के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल। अगर आप हार्डवेयर के बादशाह बनने चाहते हैं, पता चला आपको जानकारी तो बहुत है कि मोबाइल फोन में ये सीपीयू लगा होता है, ये रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल लगे होते हैं, लेकिन आपको आपको करना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। और अगर आपको करना बहुत कुछ आता है लेकिन ये नहीं पता कि मोबाइल फोन में हमने क्या निकाल दिया, मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क आईसी को हिट मारे पड़े, पता चला चार्जिंग तो हो नहीं, नेटवर्क भी बंद कर दिया, अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो वहां पर क्या होता है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में दोनों चीजों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में अगर अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने में 100% प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो दोस्तों हम जो हार्डवेयर के बारे में जो सीखना चाहते हैं वो क्या हमारा थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, और इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम सारी क्लास को रन करेंगे और सब चीजों के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं हमारी थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्योरी में क्या हम लोग थ्योरी के बारे में क्या हम वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली बात जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीबी या इसको बेसिक जानकारी। क्या जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात मायने रखती है। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए आया हूं जो बिल्कुल जीरो हैं,
जो बिल्कुल फ्रेशर है या मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के लाइन में 8 साल 10 साल 6 साल 12 साल से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो पूर्ण नहीं है। क्यों? इसलिए कंप्लीट नहीं है क्योंकि सर जी उनको कहीं से पूरा प्रॉपर तरीके से सीखने को नहीं मिला। वो किसी दुकान में घुस गए, वहां से सीख लिया, अपने मन से सीख लिया। कुछ टीवी रेडियो का काम करते थे, वो लोग मोबाइल फोन के लाइन में कन्वर्ट हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन काम करते थे, इलेक्ट्रिकल का काम करते थे, वो लोग मोबाइल फोन लाइन में घुस गए। तो जब वो काम लाइन में तो आ गए, मोबाइल फोन ठीक करने लगे, क्योंकि मोबाइल फोन में तो भैया साफ सुफ करके भी फोन चालू हो जाता तब उसमें तो पैसा है। लेकिन बात ये रहती है कि साफ सुफ करके सब फोन नहीं चालू होते ना, 100 में से 10 मोबाइल फोन होते, 90 फोन तो वापस हो जाते हैं। तो 90 फोन वापस नहीं होते, उन मोबाइल फोन को हम लेते हैं और ऐसे ले लेकर के मार्केट में जाकर के बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक मोबाइल फोन को हमने साफ कर लिया, चार्जिंग पिन में टाका लगा दिया, फोन ठीक हो गया, 5 रुपए का काम किया, 100 रुपए 150 रुपए ले लिया, अच्छा लगा। लेकिन वही मोबाइल फोन में जब चार्जिंग जैक डाल दिया उसके बावजूद भी ये ठीक हुआ, तो फिर उस मोबाइल फोन को लेकर के हम मार्केट गए, मार्केट में वहां पर जाकर के मोबाइल फोन को बनवाया, उस बंदे ने बोला भैया 150 रुपए लगेगा, इसका ये प्रॉब्लम है। कहना ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर को आपने बोलिया भैया वो मोबाइल फोन है तुम्हारी आईसी फूक गई है, उसमें 300 रुपए खर्च आएगा, हमने उसमें सब कुछ चेक करके देख लिया लेकिन फिर भी मोबाइल फोन नहीं बन रहा है। आप वो बंदा कहते ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं यार, खर्चा बहुत लग रहा है, आप बना दो भाई मोबाइल फोन को, बिल्कुल उसकी जरूरत है, उसने आपसे विश्वास बनवा लिया। अब आप फिर उस मोबाइल फोन को लेके गए, उस मोबाइल फोन को दे दिया, अब उसमें से 150 रुपए एक तो तुमको मिला, 150 रुपए तो दुकान वाले ने छुड़ा लिया, तुमको मिला कितना 150 रुपए, मेहनत पूरी तुम्हारी, कस्टमर तुम्हारा, लेकिन नॉलेज में तुम बिल्कुल जीरो, नॉलेज में तुम बिल्कुल निचित जीरो, बिल्कुल फेल। अब वो तुम मोबाइल फोन वहां जाके बनवा रहे हो, जब वहां जाके मोबाइल फोन बनवा रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? तुमको मिल रहा है समय, टाइम, पीरियड और नॉलेज में सुपर जीरो। तो जब आप सुपर जीरो है तो सुपर जीरो से अगर सुपर हीरो बनना है तो भाई वीडियो को पूरा देखो, हम ये वीडियो आप ही के मेहनत करके बना रहे हैं ताकि आप कुछ काम सीख सको, कुछ चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाए। तो पीसीबी का मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाता हूँ ताकि हमारे जो क्लास में जो स्टूडेंट है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, उनको भी मैं वही सिखाता हूँ, वही मैं आपको भी सिखाता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है और आपके लिए अलग है, ये वीडियो आपके लिए तो देता ही देता हूँ, लेकिन ये वीडियो शाम को मेहनत करके इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा क्लास कर रहा है, वो जब क्लास में पढ़ लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है, उसके बावजूद भी उसको लगता है कि मैं 20-25 बच्चों के बीच में बैठा हूँ और सर जी हमको जो तुमने टॉपिक बताया था वो हमको नहीं समझ में आया। हमने कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, भाई टॉपिक नहीं समझ में आया तो जो 2 घंटे का समय निकल गया वो तो समय वापस आएगा नहीं। तो हम कहते कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, तुमको दोबारा समझा देते हैं। उसको हम दोबारा समझा दिया, दोबारा समझाने के बाद फिर भी कहता है मोटी बुद्धि का गुजलाते कर यार अब भी नहीं समझ में आया। फिर उसको हम दोबारा समझा देते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता तो हम कहते हैं काम करो हम तुमको वाला दिन चिराग देते हैं, एक तुमको वीडियो देते हैं। वो वीडियो दे दिया, उस वीडियो कमरे में 10 बार देखता है, जब 10 बार देखता है तो उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है आप कितने भी मोटी बुद्धि के हो इस बात मायने नहीं रखती, मायने ये बात रखता है कि आप सीख के ही जाओगे ये बात। चलिए हम बात करते हैं पीसीबी के बारे में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपको इसी में अगला मिलेगा थ्योरी में ट्रेसिंग का मतलब होता है मोबाइल फोन में फॉल्ट फाइंडिंग। मोबाइल फोन में फॉल्ट फाइंडिंग मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट कैसे फाइंड किया जाएगा, या फॉल्ट को ढूंढने का तरीका क्या है, या फॉल्ट को चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है, या फॉल्ट फाइंड करने का लॉजिक क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग ट्रेसिंग के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो हमारा जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी 2 हिस्सों में बटा होता है, दूसरा होता है पीसीबी, तीसरा पीसीबी का मतलब होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इस मदरबोर्ड के बारे में फुल जानकारी, मदरबोर्ड के बारे में फुल जानकारी, मदरबोर्ड के बारे में फुल जानकारी को ही हम लोग बोलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब मदरबोर्ड के बारे में फुल जानकारी हो जाएगा तो फुल जानकारी को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके माध्यम से मोबाइल फोन को कैसे ठीक करना है, मोबाइल फोन में प्रॉब्लम कैसे फाइंड करनी है, वो सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे ट्रेसिंग में। तो ये जब हम लोग इतना सीखते हैं, इतना सीखने के बाद हमारा माइंड मेकअप होता है।
हम काम करने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। जब रेडी तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली जो टोटल डिपेंड करता है ये आपकी दो चीजों पर, एक तो आपके ट्रेनिंग के ऊपर कि आपको सिखाया कैसे जा रहा है ये बात, दूसरी आपकी हैंड स्किल। हैंड स्किल का मतलब होता है कि हम आपका हाथ साफ कराते हैं, मतलब काम करने का प्रॉपर वे में तरीका सिखाते हैं। जैसे ट्रेनिंग का मतलब है आपके पास कोई मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन ने आपने खोला, इसका स्क्रीन खराब है, आपने साफ सुथरा किया, निकाल के दोबारा लगा दिया, ये मैंने आपको सिखा दिया, ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट है। उसके बाद हैंड स्किल, यहाँ पर तुम्हारा पार्ट स्टार्ट होता है कि तुम इसको 10 बार निकाल के लगाओगे, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 10 बार लगाया, उसको तुम जब तक लगाओगे जब तक तुमसे लगाना आ ना जाए तो उसे बोलते हैं हैंड स्किल। ताकि आप मेरे पास सीखने के बाद कहीं आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा होकर के जाओगे कंप्लीट मास्टर होकर के जाओगे। तो हम आपको हैंड स्किल के माध्यम से आपको हाथ भी साफ कराते हैं, आपको उसका प्रॉपर वे में तरीका सिखाते हैं। जब आप क्लास में होते हैं तो क्लास में आपको क्या क्या सारी चीजें हैंड स्किल वे में सिखाई जाती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल क्लास में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, थ्योरी क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देता हूँ। तो जो प्रैक्टिकल क्लास होता है तो प्रैक्टिकल क्लास में सबसे पहली चीज तो आपको सिखाया जाता है जम्पर लगाना। जम्पर लगाना कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मोबाइल फोन में जम्पर कैसे लगाया जाता है, महीन महीन जो प्रिंट जम्पर होते हैं वो कैसे लगाया जाता है, कैसे सोल्डिंग की सोल्डिंग किया जाता है। दूसरी बात, जम्पर लगाने से पहले उनको आयरन का यूज करना, सोल्डर वायर का यूज करना, रबर रंगा का इस्तेमाल करना, फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करना, इन सब चीजों के बारे में अच्छा तालमेल आपको समझाया जाता है कि आयरन आपको कौन से एंगल पर पकड़ना है, कैसे टांगा लगाना है, शोल्डर वायर कब लेना है कब नहीं लेना है, फ्लक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, पेस्ट क्या काम करता है, शोल्डर क्या काम करता है, आयरन क्या काम करती है। जब इन सब तीनों चीजों को मिला देते हैं तभी आपके मोबाइल फोन में टांगा लगता है, नहीं तो मोबाइल फोन में टांगा नहीं लगता। तो टांगा लगाने के लिए आयरन नहीं होगा, बिना आयरन के कैसे टांगा लगा दोगे, अगर आपके पास शोल्डर वायर नहीं होगा तो कैसे टांका लगा दोगे, और पेस्ट नहीं होगा तो लगाते रहोगे लगेगा नहीं तो भी काम बेकार है। तो इसलिए क्या है, इन तीनों चीजों का तालमेल कॉन्सेप्ट होना बहुत पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपको हॉटगन मशीन का यूज, हॉटगन मशीन, हॉटगन मशीन का कैसे उपयोग करेंगे, हॉटगन मशीन का उपयोग करने के साथ साथ हॉटगन मशीन का यूज करने का तरीका क्या है, हॉटगन मशीन को कैसे यूज किया जाएगा इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। और फिर कंपोनेंट निकाल कर लगाना, मोबाइल फोन का जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उन छोटे छोटे पुर्जों को कैसे निकाल के लगाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका चलेगा जैक निकाल के लगाना, मोबाइल फोन का जैसे चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक, हैंड फ्री जैक, बैटरी कनेक्टर, ऑन ऑफ डिस्प्ले, टच, ये जितने भी सारे जैक आते हैं उन जैक को कैसे निकाल के लगाया जाएगा। जैक को निकालने का तरीका क्या है, जैक कैसे चेंज किया जाएगा। जैक के बाद फिर आपका चलेगा डिस्प्ले, मोबाइल फोन में डिस्प्ले कैसे रिपेयर किया जाता है या मोबाइल फोन में डिस्प्ले रिपेयर करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। फिर डिस्प्ले के बाद फिर आपका चलेगा टच, कि मोबाइल फोन में टच को कैसे रिपेयर करते हैं, टच रिपेयर करने का तरीका क्या है, कैसे टच करने से कोई भी फंक्शन खुलता है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको टच में आपको सिखाएंगे। टच के बाद फिर आप सीखेंगे काम्बो रिपेयरिंग, मतलब टच को कैसे निकाल के लगाया जाता है। काम्बो रिपेयरिंग का मतलब होता है कि जो डिस्प्ले टच दोनों जब एक साथ आता है तो उसको कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे डिस्प्ले टच को फिर से एक साथ किया जाता है, कैसे उसको फोल्डर बनाया जाता है, क्या फोल्डर होता है, क्या उसी बंदी है, कैसे कटिंग होती है, कैसे मोबाइल फोन में ग्लास चेंज होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको काम्बो रिपेयरिंग, टच रिपेयरिंग में पूरा अच्छे से आपको
समझाया जाता है। फिर उसके बाद डिस्प्ले कॉम्बो रिपेयर करते समय कई बार हमारे फोन में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, ब्लैक धब्बे आ जाते हैं या पोलराइज फिल्म कट जाती है, तो उसको कैसे बदला जाएगा वो भी आपको समझाया जाता है। पोलराइज फिल्म को बदलना, जब इतना सारा काम आप सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर आप सीखते हैं आईसी रिपेयरिंग। आईसी रिपेयरिंग मोबाइल फोन में आप आईसी कैसे रिपेयर करेंगे, आईसी को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। आईसी रिपेयर उसका मतलब होता है आईसी को रिवॉल्व करना, क्या करना, रिवॉल्व करना, रिवॉल्व करने के बाद लगाना, लगाने के बाद पेस्टेड आईसी को लगाना, कि हमारे पास कोई पेस्टेड आईसी आती है उसको कैसे निकाल के लगाया जाता है, ब्लैक पेस्टेड निकाल के लगाना, उसके बाद डबल डेकर, आईफोन, तो जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी होती है उन आईसी को कैसे निकाल कर लगाया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको समझाया जाता है। तो इतना सारा दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जब जाए सीख कर जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, मोबाइल फोन में कोई रिपेयरिंग करने में उसको कोई तकलीफ ना आए, उसका हाथ इतना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कि वो बढ़िया से काम करे, अच्छी तरीके से काम करे और उसको काम करने में मजा आए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, हैंड स्किल में हाथ साफ कराते हैं और इन सब चीजों का एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, बाकी जब क्लास में हो तो क्लास आपको आईसी रिवॉल्विंग करने के चार चार पांच पांच तरीके सिखाते हैं, आईसी को लगाने के पांच पांच छह छह तरीके सिखाते हैं, आईसी आपने लगा दिया सही लगी कि नहीं लगी उसको चेक करने का तरीका सिखाते हैं, उसको एक एक करके मतलब उसके बारे में आपको पूरा डीपली कि डबल डेकर क्या है, कैसे दोनों आपस में बनाए जाते हैं, कैसे दोनों आपस में अलग किए जाते हैं, क्या सिलेंडर होता है, कैसे रिवॉल्व होता है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर किया जाता है। आईफोन के अंदर कैसे रिपेयरिंग होती है, या आईफोन के आईसी को कैसे रिपेयर किया जाता है, या आईफोन के अंदर डबल डेकर आता है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, या इस तरीके से जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम को रिपेयर करने का तरीका क्या है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको टोटली आपको समझाया जाता है, आपको ट्रेनिंग मिलता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल क्लास में सब चीजें आपको टोटली इंक्लूड है जो आपको सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको चलते हैं, ये तो मैंने आपको ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के बारे में बताया, अब हार्डवेयर में हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर पीसीबी के बारे में सीखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं पीसीबी। पीसीबी का अगर पूरा नाम की बात करी जाए तो पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो पीसीबी का जो पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर पीसीबी पाया जाता है, पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं दुनिया जान के अंदर जो मोबाइल फोन है उसके अंदर प्लेट नहीं है, 100% उसके अंदर प्लेट लगी है। जो भी मोबाइल फोन के अंदर काम किया जाएगा, जो भी रिपेयरिंग करी जाएगी, जो भी काम किया जाएगा वो सब इस पीसीबी के अंदर किया जाता है, इस पीसीबी के अंदर रिपेयरिंग किया जाता है। तो आपको पीसीबी के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बाद अब बात करते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता क्या है। ये जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो लगी होती है उसे बोलते हैं प्लेट। प्लेट छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, आधी भी होती है, एल शेप में भी होती है, अलग अलग शेप में होती है। इस पीसीबी के अंदर क्या होता है, जो ब्लैक कलर की लगी होती है जैसे ऐसे डब्बे डब्बे से जो लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे छोटे लगे होते हैं ब्लैक कलर के जो लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी। आईसी के बाद फिर उसके मोबाइल फोन के अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट्स लगे होते हैं फिर आपके मोबाइल फोन के अंदर जैसे प्लास्टिक के लगे होते हैं जैसे इसको हम लोग बोलते हैं जैक, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, सिम जैक, हैंड्री जैक, मेमोरी जैक, डिस्प्ले जैक, इस तरीके से बहुत सारे जैक लगे होते हैं।
उसके बाद मोबाइल फोन में जो छोटे छोटे लगे होते हैं, लाल पीले हरे नीले काले कलर के, लंबे चौड़े मोटे पतले, इन सबको ब्राउन कलर के, इनको सबको हम बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोनेंट। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो पीसीबी जो लगी होती है, जो आपका जो पीसीबी बोर्ड होता है, इस पीसीबी बोर्ड के अंदर तीन चीजें लगी होती हैं, या तो उसमें लगे होते हैं कंपोनेंट, या तो उसमें लगी होती है जैक, या तो उसमें लगे होते हैं आई। तो तीन चीजों से मिलकर के ही हमारा पूरा मोबाइल फोन बना होता है, और इन्हीं तीन चीजों से मिलकर के ही पूरे मोबाइल फोन के अंदर सारे पार्ट्स अलग अलग लगे होते हैं। और इन तीन के अंदर ये तीन चीजें हैं, ये 14 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ये तीन मिलकर के टोटल कितने हो जाते हैं? 14। जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, आईसी, वाइब्रेटर, इस तरीके से मिलकर के बैटरी, डिस्प्ले, टच, सब मिलकर के टोटल 14 तरह के पार्ट्स हो जाते हैं। यही 14 तरह के पार्ट्स खराब हो जाते हैं एक एक करके, जिससे हमारे मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, और इन्हीं प्रॉब्लमों को हम लोग एक एक करके रिपेयर करते हैं, उनको ठीक करना सीखते हैं। लेकिन उन सब चीजों को ठीक करने से पहले उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप भैया बिल्कुल नहीं ठीक कर सकते। तो ये 14 कंपोनेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। कंपोनेंट्स होते हैं जैक होते हैं, आईसी होते हैं। अब चलिए हम लोग यही सारा चीज जो होता है, इन सब सारी चीजों को एक बार हम लोग पीसीबी में विजिबल करते हैं, पीसीबी में देखते हैं क्या कंपोनेंट होता है, क्या जैक होता है, क्या आईसी होता है, इन सब चीजों को देखेंगे। हम लोग कीपैड मोबाइल फोन में भी देखेंगे और एंड्रॉइड फोन में भी देखेंगे, स्मार्टफोन में भी देखेंगे। तो ये मैंने आज आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। हार्डवेयर हमारा दो हिस्सों में बटा होता है। किस हिस्सों में बटा होता है? दो हिस्सों में। हार्डवेयर जो होता है हमारे कितने हिस्सों में बटा होता है? दो हिस्सों में। किसमें? हार्डवेयर जो होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल का अपना कॉन्सेप्ट है। जब दोनों मिल जाते हैं तभी हार्डवेयर की कंप्लीट रिपेयरिंग बनती है और आप अच्छे से रिपेयरिंग करने के अच्छे मास्टर बनते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारी चीजें आपको देख करके नोट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने के बाद एक एक करके सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। इस हार्डवेयर की क्लास में सबसे पहली बात मैं आपको पीसीबी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको वीडियो दूंगा, उसके बाद फिर आपको ट्रेसिंग के बारे में वीडियो दूंगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के बारे में वीडियो दूंगा। पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला ए से लेकर जेड तक। ये कम से कम महीने, डेढ़ महीने, दो महीने का ऑनलाइन क्लास चलने वाला है, जिसमें आप वीडियो के माध्यम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे और आपको पूरा कंप्लीट सीखने को मिलेगा और आपको सीखने में वाकई मजा आएगा। और दूसरी बात क्या, आज मैंने आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिकल क्लास में क्या क्या काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया हुआ है, और हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। जब हम आपको क्लास का वीडियो बनाएंगे तो क्लास के वीडियो में आपको एक दिन तो हम आपको थ्योरी का वीडियो देंगे, एक दिन हम आपको प्रैक्टिकल का वीडियो देंगे। तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सीखते रहेंगे तो हमको मजा भी आएगा। कल हम आप सीखेंगे कि प्रैक्टिकल क्लास में क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या औजार होने चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में वीडियो दूंगा। जो लोग अपना घर पर बैठ करके फ्री रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, अगर सामान मंगाना चाहते हैं तो 1000-2000 रुपए खर्चा करके ऑर्डर भी लगा सकते हैं, सामान मंगा भी सकते हैं, या कहीं से भी सामान ले सकते हैं, उसके बाद काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको पीसीबी के बारे में बताया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर कंपोनेंट है, जैक है, आईसी है, इन तीन हिस्सों में हमारे मोबाइल फोन के अंदर का मदरबोर्ड बना होता है। तो वीडियो को आगे देखेंगे, वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं इस पीसीबी के बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए सबसे पहली बात, हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो हमारे पास पीसीबी बोर्ड है, इसको हम लोग विजिबल करेंगे, देखेंगे। देखिए, इस बोर्ड के अंदर जो ब्लैक कलर की लगी होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी। ये जितने ब्लैक कलर की जो काली काली लगी होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट।
जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के काले काले लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं आईसी। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सभी मोबाइल फोन में पाई जाती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं आईसी। ये हमारी आईसी लगी है। ये मोबाइल फोन में जो छोटे छोटे लगे होते हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये सबसे पहली चीज आईसी, ये दूसरी चीज ये लगे कंपोनेंट। अब उसके बाद हम लोग तीसरी चीज देखते हैं। ये देखिए ये जैसे आपके मोबाइल फोन लगा है इसे बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं जैक। ये आपका बैटरी कनेक्टर, ये आपका सिम जैक, ये आपका माइक देख रहे ना, इतना बड़ा माइक है, इतना बड़ा देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा माइक आपको दिखाई देता है। जब आप क्लास में होगे ना देखो दो घंटे का माइक है ना। तो ये हम लोग क्या समझे, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लास में आपको कैसे सीखने को मिलता है, कितना बड़ा बड़ा दिखाई देता है कि आपको क्लियरिटी से सबको समझ में आता है कि नहीं आता। जब आप लोग दोस्तों मेरे पास सीखने के लिए आओगे तो कितना अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ये तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, जब सामने बैठे होगे ना तो और अच्छा लगेगा, और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि क्लास में जब 20-25 लोग बैठे होते हैं, 10-15 लोग बैठे होते हैं तो सीखने में बड़ा मजा आता है, एक अलग ही इंटरेस्ट होता है क्लास में बैठ के सीखने का। और भाई देखो अगर मूवी देखने का मजा है तो घर में मोबाइल फोन में मूवी देखो तो उसमें क्या मजा, जब हॉल में देखो तब मजा आता है। तो उसी तरीके से क्या है कि ये हम लोग तो चलो नॉलेज मिल जाती है, लेकिन जब आप क्लास में बैठ कर सीखते हो तो सबके क्वेश्चन होते हैं, सबका एक अपना नॉलेज होता है, बिहेवियर होता है, और एक सीखने का एक अलग ही वे होता है, एक अच्छा अंदाज होता है। तो ये आज हमने जैक के बारे में बताया कि ये जैक है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये सिम जैक है, ये एंटीना लगा है। इतना बड़ा एंटीना तो उंगली रख तो दब जाएगा, लेकिन पूरा हाथ रख तो फिर भी नहीं दबता एंटीना, फिर भी तुमको दिख रहा है। ये आपका एंटीना है, ये तुम्हारा माइक है, और ये लगा है तुम्हारा। तो इतने सारी चीजें जो आपके लगी हुई है अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना सारा चीज आपको समझ में आएगा। इसको और भी बड़ा करना चाहे और भी बड़ा कर सकते हैं। दिखाई दे रहा था अभी मेरे हाथ से भी फैला भी जाए चला गया। तो इतना सारा सब कुछ जो होता है आपको वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से विजिबल करने को मिलता है, और वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे जो मोबाइल फोन के अंदर जो पीसीबी होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मोबाइल फोन के अंदर जो बोर्ड होता है इस बोर्ड को कैसे चेक करते हैं, इस बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं या उसको चेक करने का तरीका क्या होता है या उसको चेक करने का क्या अंदाज होता है, इन सब चीजों के बारे में आज मैंने आपको वीडियो के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। तो ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर बोर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पीसीबी बोर्ड। यही बोर्ड है ना जिस बोर्ड को आप इसमें देख रहे हो, इस बोर्ड को रखते हो ना देखो इसके अंदर घुस जाएगा कितना छोटा है, लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा जैक है। ये मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, ये झारखंड गए जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आपके पास कितने माइक्रोफोन, ये वीडियो उनके लिए भी है कि आप इस कमेंट को जरूर देखें कि आपने मुझे कमेंट किया है, क्योंकि मुझे आपने 5 बार कमेंट किया ना तो मैं 5 बार तुमको टोकूंगा, उसके बाद फिर आप मुझे वीडियो कॉल करिएगा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपसे मेरे से ज्यादा मोहब्बत है और मुझे जिनसे ज्यादा मोहब्बत है वो हमेशा ज्यादा मैं उनसे बात करता हूँ। तो चलिए ये हमारा पीसीबी बोर्ड है, और इस बोर्ड में हमने इसके बारे में आपको अच्छा समझाया हुआ है। तो जैक के बारे में चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक, एंट्री जैक, छोटे मोटे कंपोनेंट्स, आईसी, ये सब चीज मिल करके हमारे पूरे प्लेट को क्रिएट करते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बेसिक क्या है, बेसिक के बारे में पूरी जानकारी, फिर ट्रेसिंग, फिर प्रैक्टिकल, आपको पूरा आपको वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहें, और आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो में बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट के लिए बड़ा तहे दिल से धन्यवाद, ताकि सब चीजों को अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अगर हम आपके लिए अगर इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप भी यार हमारे लिए तो इतना हौसला बनता ही है। एक मैसेज आपको अच्छा आना चाहिए और वीडियो को शेयर जरूर होना चाहिए, ताकि आप जैसे भाई की मदद हो सके और अच्छी किसी को ट्रेनिंग मिल सके। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कानपुर जो रेलवे स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 200-300 मीटर पास पे है। आप यहाँ पर आराम करके रह करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मात्र पूरा 45 दिन का कोर्स है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।